वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय श्री राम। लुटे आ रहे हैं और जदों ये पैसे दे तो बस दे तो माड़े उन्होंने लगे आ। मैं मौके ने देखा कि उन्होंने कई बार समझाया और समझने वाले पास तक आए नहीं। वो इस मुद्दे से खड़े आ गए, वो कहते चलो ता उसके अंदर जो माफिया लफज है ना, वो एड्डी वड्डिया डूंगा जड़ा उदी हो गई। बाबा बोर्ड बन गया। ये गरीब बेचारे ढाई बजे दो बजे उठ के रात को पहले पैर अपना परिवार का रोजी रोटी पालन लिए आते हैं, तो माफिया तंग करके गैर कानून तरीके दे नाल वसूली कर रहा। आ बाहर फड़िया लगिया ने इन्हों को वसूली हो की जा रही है। सफाई का नामो निशान नहीं। मंडी के जो सफाई सेवक आ वो अफसर सवाना के घर रोटियां पकाने लगे हुए हैं। तो इन्हों मजदूर साथियों दिक्कत सुन तो बाद मैं इन्होंने इंश्योर किया भी जो सैकटरी मंडी बोर्ड है मैं उन्होंने नाल गल करदा। इतने धरना लाए का की फायदा? इन्हों लैके जाऊँगा सैकटरी के दफ्तर के जो बाबू ए सी छड़ के बैठा। इन्हों दिक्कत का समाधान कराने वास्ते, दिक्कतों का समाधान कराने वास्ते, लुट माफिया नकेल पाने वास्ते मैं मजदूर साथियों इंश्योर किया भी चिंता ना करो। जो बिले सेक लगता बलूंगड़े उदों पैर थले आ जोड़े लोकल पद्धर के अफसर आ जिनी देर तक उपर वे बिल्लिया सेक नहीं लगना ये बंदे नहीं बने। सो ये मैं फिर इंश्योर करूँगा गरीब साथी है इन्हों दिक्कत का समाधान, लुट बंद करवाना मेरी ड्यूटी। नहीं मैं उन्होंने ये भी कहा भी तुम लोग सभा इलैक्शन का बायकाट ना करो। वो माफिया जोड़ा किसी वेले बादलों के गुरके चलाते 10 साल, बादल बदली हो गए, माफिया बदली नहीं हो, फेस बदली हो गए, हुण कांग्रेस के गुरके चला रहे। तुसी जिहड़े लोग माफिया रन कर रहे हैं ना, उन्हां दा बायकाट करो। लोकतंत्र मतदान पेटी के गर्भ के विचों पैदा हो, तुसी मालक हो लोकतंत्र के। इलैक्शन का बायकाट ना करो। उन्हां लोकां दा, उन्हां पार्टियां दा जिहड़ियां पार्टियां दी सरप्रस्ती हेठ इत्थे गुंडागर्दी करते हुए लुट्ट दा मंजर है, उन्हां दा बायकाट करो।